आप देख रहे हैं दर्पण भारत चैनल। कि क्यों नहीं बना, क्या उतना समय थोड़ी है, हम 350 रुपये मजदूरी करेंगे कि हम राशन कार्ड पता करेंगे? पता तो आप ही करना पड़ेगा ना, वो तो पता करेंगे नहीं। तो जब ऑनलाइन वो हमसे बोले हैं कि ऑनलाइन करवा के दो, तो ऑनलाइन करवा के हम उनको दिए हैं, तो वो पता करना उनका काम है ना, जो राशन कार्ड राशन बांटते हैं। तो उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ? कार्रवाई करने का बात ही नहीं है, हम मजदूरी करेंगे, कार्रवाई करेंगे नहीं, लड़ना तो पड़ेगा, बिना लड़े तो मिलेगा नहीं। तो लड़ेंगे, हम समय देख कर लड़ेंगे, जैसे समय देखेंगे वैसे हम काम करेंगे। तो समय कब आएगा लड़ने का? आ रहा है ना, एक समय तो आ ही रहा है ना, आ रहा है समय। सरकार बदल देंगे क्या इस बार? कोशिश तो है, कोशिश तो जारी है, सबको देखे, सबको परखे, सबका शासन ढीला है, अब की सत्ता उसी होगी जिसका झंडा नीला है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? आप लोग किसको किसको राशन नहीं मिलता है भाई, बोलिए आप लोग। भाग रहे हैं बताइए, कुछ बोले गए आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम, हमारा नाम ओम प्रकाश जी। आप वोट देते हैं ना? हाँ वोट देते हैं। आपको राशन मिलता है कि नहीं मिलता? एकदम मिलता है। सिलेंडर मिला कि नहीं मिला? मिला है। तो आप मोदी और जोगी से खुश हैं कि नाराज हैं? नाराज इस बात का है कि मतलब बाबा साहब का प्रतिमा को जो तोड़ रहे हैं, जो अगर विरोध करना चाहते तो हमसे करे जी, हमसे करे जी। बाबा साहब के मूर्ति कुछ बिगाड़े हैं वो, कुछ बिगाड़े हैं वो, कि मतलब उसको किसी ने आकर के तोड़ रहे हैं। नहीं उन्होंने क्या, वो तो सबके लिए हैं, सबके लिए हैं। तो वही हम कहना चाहते हैं कि नहीं, दरअसल मतलब बाबा जी का जो तोड़। आप भरे थे? आप ग्रेजुएशन पास हूँ, बीएड कर रहा हूँ फिलहाल में। मैं पुलिस की परीक्षा दिया था, वहाँ पे इतनी भीड़ थी, 48 लाख फार्म भरा गया था। 48 लाख फार्म भरने के बावजूद भी हम लोग पेपर दे के पिकअप में झूल कर आए, फिर भी परीक्षा रद्द सरकार कर दी। पिकअप में झूल करके झूल गया है बनारस। सरकार तो बड़ी बड़ी दावा कर रही है कि रोडवेज जो है सरकार चलाई बसे, लेकिन के लिए, आने के लिए। मिले तब तो सरकार को हम माने कि नहीं सरकार मेरे लिए कुछ कर रही है। सरकार तो हम लोग पिकअप में झूल कर आए वहाँ बनारस से, 150-300 रुपया देकर हम लोग रिजर्व करके टेम्पू से आए। बनारस से गाड़ी हम लोग को नहीं मिल रही थी, कोई सुविधा ही नहीं था। सरकार केवल कर रही कि सुविधा दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, रोजगार कुछ है ही नहीं है। तो सरकार का दावा खोखला है? खोखला है, तभी तो हम कह रहे हैं कि युवाओं का जीवन बर्बाद कर रही है। मतलब आपको जाने के लिए सुविधा नहीं मिला, आने के लिए नहीं मिला, परीक्षा भी जहां आप गए थे वहां भी कोई सुविधा नहीं मिला। सरकार का दावा है कि वहां भी बच्चों को रुकने के लिए व्यवस्था, कुछ आने जाने के लिए व्यवस्था, कुछ नहीं मिला। हम लाइव चल रहे थे वहां पे, हम कुछ परीक्षा देने गए थे अपने आप को, वहां हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला। मतलब बेरोजगारी चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, कॉलेज सब बंद हो रहा है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, हम लोग क्या करें? सरकार रोज प्रतिदिन कर रही है कि नहीं हम रोजगार देंगे, हर साल कर रही है रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार कुछ नहीं दे रही है। दोस्तों, द्रविड़ भारत में आपका स्वागत है। मैं जनपद गाजीपुर के जमानिया तहसील में मौजूद हूँ। चुनाव पर चर्चा करते हुए यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे उनकी राय जानेंगे कि चुनाव का क्या माहौल है, क्योंकि आम चुनाव 2024 लोकसभा का बिल्कुल करीब है। तो उनका मत जानेंगे, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, मैं उनसे वार्ता करूंगा। नमस्कार, मैं सुनील सिंह नायक, देख रहे हैं द्रविड़ भारत चैनल को। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, फॉलो करिए। जय भीम, जय भारत। सरकार कर रही कि आ जाएगा, टेट आएगा, आ जाएगा, कल नौकरी मिलेगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब कोई, मतलब सरकार की तरफ से अभी तक कोई टेट के लिए परीक्षा नहीं आया? कुछ नहीं, अभी नोटिफिकेशन हर साल कर रही है कि सरकार नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई टेट की। इस बार भी 24 में बोला है कि हम लोग नौकरी देंगे टीचर का, फिर नहीं, अभी कोई सिचुएशन नहीं हुआ है कुछ हल। और कोई भाई बात करना चाहता है इस पर, बेरोजगारी पर? और तो मैं अंगूरी बनवाला है चेयरमैन के लिए आके, हम अपने घर से फिर काहे टूट रहा था, फिर हम ना घर में रहने, हम कानपुर में फरीकाबाद, अब फिर चनी पड़े नहीं तो कहा अंगूरी टूट गई बा सर, अब हमसे गलती हो गई बा, अभी इतना बात आदमी एना पर तुरंत अंगूरी टूट गया, 9 बजे कुल सब कोई भाग गल, अब फिर कोनो घटना हो जाता। तो ये तो जिम्मेदारी यहाँ के लोगों को है ना, सुरक्षा करना, देखना। बस अंगूरी जोड़ा गया, प्रशासन चला गया, मौके का आश्वासन दिया तुरंत,
9 बजे आप लोग क्या कहना चाहती है प्रशासन से? अरे हमनी का घर में रहने का अच्छा करो, नहीं तो समझा दे ले रहती है। मतलब ये लोग कहे का मतलब है कि जो आके यहाँ ड्यूटी दें एक दो दिन हफ्ता, तो आप लिखित मांग देंगे उसको आप तारीफ देंगे तब तो हम मांग करेंगे तब ना कि यहाँ जो है हमको सुरक्षा चाहिए, यहाँ पुलिस की व्यवस्था हो, तो आप मांगेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा? ना बार बार दिया जा रहा है लेकिन प्रशासन सुन नहीं रहा है। प्रशासन आ रहा है और देख के चला जा रहा है, बस आश्वासन दे रहा है कि हो जाएगा, कुछ भी कर नहीं रहा है बस। प्रशासन कुछ मैं लिखित आपने दिया? लिखित दिया था, उसको पेपर होगा ना आपके पास? जी है, है ना, है ना, है। ये थोड़ा इस पे दावा है था करना के पास फोटो का बार बार बस प्रशासन आ रही है, यही बता रही है। दो बार हो गया, दो बार बाबा साहेब का उंगली तोड़ दिया गया, फिर भी प्रशासन आई आश्वासन देकर चली गई, इस बार भी आई आश्वासन देकर चली गई कि 3 दिन में काम करवा देंगे। 3 दिन में नहीं होगा, मुझे लगता नहीं है कि फिर होगा। और भी टूट रहा है इसी सरकार में, भाजपा की सरकार में। आप देख रहे हैं यहाँ तमाम लोग इकट्ठा हैं, माताएं बहनें सारे लोग प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि प्रशासन इसकी सुरक्षा करे, पुलिस विभाग आकर के यहाँ चौकसी बरसे, इसकी सुरक्षा के घेरे में मूर्ति को रखे। लोगों का यही कहना है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर देश को संविधान देके गए, सारे लोगों को संविधान के दायरे में बांध करके गए, कुछ अराजक तत्वों को के वजह से उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है, उनके विचारों को लोगों को अपनाना चाहिए कि वो क्या चाहते थे। देश में अराजकता पैदा कर करके लोग एक आपस में लड़ा रहे हैं एक दूसरे को। इसी के साथ आप देखते रहिए, बने रहिए। दर्शकों से अनुरोध है कि दर्पण भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।